मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने खाद की कालाबाजारी और मुआवजे सहित कई मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने किसान ऋण माफी फिर से शुरू करने और बर्बाद फसल के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है। साथ ही उन्होंने जीईई परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाए जाने की मांग की है। जो अति वर्षा की वजह से किसानों की फसल नष्ट हुई है, सोयाबीन की फसल नष्ट हुई है, इसका मुआवजा सर्वे करके तुरंत सरकार को देना चाहिए। यूरिया खाद भी नहीं मिल रहा है, उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उसकी भी यूरिया लोगों को उपलब्ध कराए, और जो किसानों की ऋण माफ़ी का मामला है, क्योंकि कल हम जब ग्वालियर गए थे मामले वहाँ पर उठे, लोगों ने मांग की है जो ऋण माफ़ी रोक दिए 22 लाख किसानों के बाद बीजेपी की सरकार ने, वो तुरंत शुरू करे, ये हमारी मांग है और ये पूरे चुनाव क्षेत्र से मांग आ रही है। और दूसरा, नेट और जेई की जो परीक्षाएं हैं जैसा सोनिया गांधी ने कहा, इसको बढ़ाना चाहिए क्योंकि कोरोना फैला हुआ है।